नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका देने की तैयारी में है और नीतीश कुमार जो वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की हुंकार भर रहे हैं और इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं, उसे अब भारतीय जनता पार्टी कुंद करना चाहती है और भाजपा ने बाकायदा इसके लिए बिहार में ही जदयू को बड़ा झटका देने की तैयारी की है और इसकी शुरुआत सीतामढ़ी से हो सकती है। हमारे सूत्र हैं, उनका कहना है कि सीतामढ़ी में 28 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और इसमें एक दो नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड के कई ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे जो अब तक नीतीश कुमार के साथ चल रहे थे। यानी कि जदयू में एक बड़ी टूट सीतामढ़ी से देखने को मिलेगी और वहां पर कई जदयू नेता भारतीय जनता पार्टी का कमल अपने हाथ में लेने के लिए तैयार दिख रहे हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड के कुछ प्रमुख चेहरे जदयू छोड़कर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। आगामी 28 अप्रैल को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में इसकी सदस्यता व मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इनमें प्रमुख नामों में युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल कुमार सिंह, सुशील कुमार सिंह व पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र शाह का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि ये ऐसे नेता हैं जो अपने साथ हजारों जदयू कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे और बाकायदा इसके लिए वहां पे सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कार्यक्रम भी तय किया गया है। आपको बता दें कि राहुल कुमार सिंह शिवहर व सीतामढ़ी दोनों जिलों में युवा जदयू के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं एवं वर्तमान में बिहार प्रदेश के युवा जदयू के उपाध्यक्ष हैं तथा कुछ समय पूर्व ही इन्हें पार्टी द्वारा संगठन में चंपारण का प्रमंडलीय प्रभारी नियुक्त किया गया था। देवेंद्र शाह पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे तथा बिहार विधान परिषद में सीतामढ़ी शिवहर सीट पर इन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त था, महज कुछ वोटों से ये चुनाव हार गए थे। उसके बाद इन्होंने जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया था और जनता दल यूनाइटेड में ये पंचायती राज प्रकोष्ठ के सीतामढ़ी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में वे इसी प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं। पंचायती राज चुनाव में श्री डुमरा प्रखंड के प्रमुख तथा जिला परिषद के उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर वे आसीन रह चुके हैं, लेकिन अब वे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं और जदयू छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए 28 अप्रैल को सम्राट चौधरी के सामने वे भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इतना ही नहीं, एक और नाम सुशील कुमार सिंह वर्तमान में जदयू प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर हैं और इससे पूर्व संगठन में सचिव तथा महासचिव भी रह चुके हैं। इन लोगों के साथ हजारों जदयू समर्थक भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। अगर हम सूत्रों की हवाले से खबरों की बात करें तो इस मिलन समारोह को भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। अभी तक इस समारोह को लेकर के कोई नाम तय नहीं किया गया है, न ही इस समारोह को लेकर के कौन कौन से नेता आएंगे इसे लेकर के भाजपा की ओर से कोई विशेष बातें की जा रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 28 अप्रैल को होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अगवानी में कई ऐसे नेता वहां रहेंगे जो इन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। ऐसे में अगर इन जदयू के प्रमुख चेहरों के दल बदल होने की स्थिति बनती है तो पार्टी न केवल शिवहर और सीतामढ़ी बल्कि आसपास के 2-3 जिलों में एक बड़े झटके को महसूस करेगी और लोकसभा चुनाव 2024 तथा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पूर्व जदयू में एक ये बड़ी टूट की ओर संकेत रहेगा। साथ ही साथ जमीनी स्तर पर जनता दल यूनाइटेड को दोनों जिलों में बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जिन नेताओं की हमने बात की ये तीनों चेहरे ऐसे हैं जो लंबे अरसे से दोनों जिलों में पार्टी के संगठन को मजबूत करने में अपनी हम भूमिका निभाते रहे हैं, जदयू के हर छोटे से बड़े कार्यक्रम को आयोजित करने, हर नेता के कार्यक्रम को वहां सफल बनाने में इनके ऊपर ही अहम जिम्मेदारी रही है। और ऐसे में अब इन नेताओं का जनता दल यूनाइटेड छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में जाना, अगर ऐसा होता है तो यह जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के लिए बड़ा झटका होगा। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जनता दल यूनाइटेड के ये नेता क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं और 28 अप्रैल को जो वहां पे आयोजन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी और किन किन जदयू नेताओं को अपने पाले में लाने में सफल रहती है या फिर जदयू अपनी पार्टी में होने वाले इस संभावित टूट को बचा पाती है, क्या होगा 28 अप्रैल को, हमारी नजर सब पर है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ फाउंडेशन पे।